नमस्कार पिंकीज किचन में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूखी रोटी के पूहे। कई बार लोग सोचते हैं रोटियां ठंडी हो गई तो अब हमें इन्हें फेंकना पड़ेगा, तो आज आपकी इस प्रॉब्लम का मेरे पास टेस्टी सा सलूशन है। तो आइए देखते हैं हमें रोटी के पूहे बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। राई, जीरा, सौंफ, नमक और एक हरी मिर्च जो कि मैंने काट के रखी हुई है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और 1/4 कप तेल और बारीक कटे हुए टमाटर, स्प्रिंग ऑनियन और प्याज। एक बाउल मैंने ठंडी रोटी ली है जो कि मैंने फ्रिज में रख के सुखाई है। आप चाहें तो धूप में रख के भी रोटियां सुखा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोटियां एकदम पापड़ की तरह कड़क हो गई है। चलिए शुरू करते हैं रोटी के पूहे बनाना। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। हमें नॉर्मल सब्जी के छोक की तरह छोक लगाना है, तो तेल को गर्म होने का इंतजार करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें राई डालेंगे, जीरा, सौंफ। देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो गए। अब हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। टमाटर डाल दीजिए। पानी हमें उतना ही लेना है जितने कि हमारे रोटी के पूहे भीग जाए। याद रखिएगा मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।